मंच न्यूज चैनल की शुरुआत हुई तो शुरू हुआ बधाइयों का सिलसिला। एक तरफ जहां नेट विजन के प्रबंधक सौरभ यादव ने मुबारकबाद दी तो वहीं पत्रकार विशारद ने भी मजबूती से आगे बढ़ने की बात कही। दर्शकों, आज नेट विजन पर शुरुआत हुई है मंच न्यूज की। ये आपका अपना चैनल, आपका साथ देने के लिए, आपका साथ निभाने के लिए और आपकी खबर जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने ये नई पहल की। हमारे साथ है सौरभ यादव जी, जो प्रबंधक जी हैं। एक मंच न्यूज की शुरुआत हुई है, नेट विजन का मंच है ये। क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ आप इरादे रखते हैं? पहले तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं मंच न्यूज को और नेट विजन परिवार की तरफ से। और मैं चाहूँगा ये कि जो भी मीडिया है वो फील्ड में जितने भी दर्शक हैं उनको ये चाहिए सच का सामना जो भी आए प्रॉपर तरीके से उनके तक पहुँचाया जाए और दर्शकों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे न्यूज चैनल तो चलते हैं लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो एक्चुअल चीज़ हो वही दिखाई है और वही प्रॉपर तरीके से उनको ये ना फील हो कि भाई ये गलत है या फिर ये सही है। जो सच है वही होना चाहिए। तो अच्छा है कि मथुरा में एक नया चैनल और चालू हो रहा है तो दर्शकों को बहुत कुछ इससे आसानी हो जाएगी और थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। तो शुरुआत हुई आज गुरु जी और आप भी लेखनी में काफी कुछ रुचि रखते हैं, आप जुड़े हुए हैं क्षेत्र से, क्या कुछ होना चाहिए इसके अंदर, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है, सबसे पहले तो मंच को मंच देने का जो काम किया है मेरा शिष्य है प्रेम कुमार जी, सबसे पहले मैं उसका माल्यार्पण स्वागत करूँ। गुरु जी उन्होंने के मुँह से भी वो थोड़ा ये मामले पूछे तो उसको मैं सबसे पहले सम्मानित करना चाहूँगा फूल माला देके और आपको पहले सम्मानित करके आपका उत्तर नहीं दूंगा। देखिए ऐसा है, आप सब जानते हैं कि लेखनी जो कलमकार है सब आप लोग कलमकार ही हैं एक तरह से, क्योंकि उसका जो हम लोग मूर्त रूप दे वो जो देते हैं लेखनी लिखते हैं उसको मूर्त रूप देने का काम मंच जैसे न्यूज़ चैनलों का है। और मेरा ये जो मंच है मैं खुद इसका आप जो भी कहिए मेरा पूरा आशीर्वाद है इसके लिए और आप लोगों की और काम यही है इस मंच के माध्यम से आप सच्चाई लगन केवल ये नहीं है कि अगर ये गरीब आदमी है कोई वैसा तो कुछ हो कभी भी जो है इस पर नहीं भी जो सच्ची खबर हो वही देना है। तोड़ मड़ोड़ करके किसी भी तरह की खबर को व्यवसायिक रूप देकर के पैसा मिल जाएगा अर्जित हो जाएगा वो नहीं। देखिए इसके लिए मैं आप बताऊँगा कि जो स्वच्छ पत्रकारिता है जो खोज पत्रकारिता है मेरे पास बहुत ही पुराने मित्र हैं मेरे चंद जयशिखर वाला बहुत पुराने 40 साल से मेरा परिचय है इस बारे में बहुत माहिर हैं ये अमर उजाला जैसे कि वो हैं है, और इनका बड़ा विश्वास है। तो ऐसा व्यक्ति जो एक धनुर्धर हमारे पास है आपके मंच के साथ तो ये मुझे मालूम है कि ये मंच बहुत सफल होगा और आप जितने भी कार्यकर्ता मेरा यही संदेश है कभी बिकने की जरूरत नहीं है, बहुत साफ सच हो गया और बिल्कुल हेगड़ी से बोलिए जैसे अभी मैं इतना सुन रहा था भाई बहुत अच्छा वो कर रहे थे और ये होना भी चाहिए। अब आप लोग जहाँ भी जाएँ बहुत ही कहते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं नहीं, ये कलम ताकत हो चुकी भाई। मैं और बता रहा हूँ आपको, मैं एक बुवाई करके अर्थ करता हूँ। देखिए एक जो वृक्ष होता है जो कोई छोटा पौधा होता है बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, कैसे बनता है ये ऐसे नहीं बनेंगे बनेंगे एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, ध्यान से सुनिए एक टहनी एक दिन पतवार बनती है और एक चिंगारी तह कंगार बनती है और पैर से रौंदी गई बेबस समझ कर एक दिन मिट्टी यही मीनार बनती है, एक दिन मिट्टी यही मीनार बनती है। मेरे बेटे और ये जरूर आपका मंच सफल होगा ये मेरा पूर्ण।